पूरे जितने भी अपने एंटी थे सारा सब ने हाथ मिला लिया, सारे जने गैल लग लिए। चलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज एलविस यादव ने भी अपने साइड का स्टोरी सुना दिया। लाइक आप सभी को पता होगा कि एलविस यादव और मैक्स टेन के बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है और मैक्स टेन ने अपना वीडियो यानी कि डाला था रात ही को डाल दिया था पूरा प्रॉपर बताते हुए। बाकी गाइज उस वीडियो के बाद एलविस यादव को काफी ज्यादा हेट मिलने लग गया, यानी कि यूट्यूब और सोशल मीडिया काफी ज्यादा एलविस यादव को यानी कि ट्रोल करने लगे। उसके बाद गाइज एलविस यादव ने अपना स्टोरी यानी कि फुल स्टोरी सुनाया, क्या सुनाया आप सभी खुद ही देख लो। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है काफी नेगेटिविटी चल रही है उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्स टेन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्स टेन जिसमें बोल रहा है कि एलविस ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एलविस यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें ना एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक साइड की स्टोरी सुन के, बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि ओह एलविस ने तो ये कर दिया, ओह मैक्स टेन के मार दिया, एलविस तो बदमाश है, गलत आदमी है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना पक्ष रखूं और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो वे कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जने गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं, जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं, मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने, बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्स टेन के साथ और मैक्स टेन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई, हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज करूं, जैसे कि आप सभी ने यहाँ तक देख लिया कि एलविस यादव ने क्या बोला, और उसके 20 मिनट बाद एक स्टोरी लगाती हुई यानी कि सपोर्ट मांगते हुए अपने फैंस के पास एलविस यादव ने बोला है कि मुझे सपोर्ट कर दो। बाकी क्या बोला एलविस यादव आप सभी खुद ही देखो। भाई मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, पूरी लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो गई है, पूरे जितने भी अपने एंटी थे सारा सब ने हाथ मिला लिया, सारे जने गैल लग लिए। तो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, पूरी छत्तीस बिरादरी देख रही है, आज तुम्हारे भाई को जरूरत है भाई, तुम्हारी अपनी जो वीडियो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए और लोगों की आँख खुलनी चाहिए कि जब घरवालों पे बात आती है तो क्या करते हैं। भाई यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्या लग रहा है कि एलविस यादव ने जो कुछ भी बोला क्या सही बोला होगा, गलत बोला होगा, आप सभी को जो कुछ भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर पूरा प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हो तो एलविस यादव के इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ पर देख पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो था, मैं उतना कवर नहीं कर पाया। बाकी अभी के लिए बस, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।